हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ आज। और अभी जाके मेरी गुड़िया सोई सुबह से। उसको भी पता नहीं किस बात की खुशी है, नाना नानी आ रहे हैं इस बात का शायद उसको भी खुशी है, तो उसको नींद नहीं आ रहा था। जस्ट अभी अभी मैं उसको सुलाई हूँ। और अभी बज चुका है दिन का एक, और माँ पापा बस घर पहुँचने ही वाले हैं। 5-7 मिनट और लगेगा, क्योंकि 12:45 में वो लोग का ट्रेन टाइमिंग दिखा रहा था। तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये तो आप लोग समझ ही सकते हो कि मम्मी पापा आ रहे हैं, मतलब इसका खुशी क्या होती है। तो अभी मैं लंच नहीं की हूँ, ऐसे तो 12:30 से 1 बजे के बीच मेरा लंच हो जाता है। तो मम्मी मेरे लिए बना चुकी हैं, पर बाकी सबका जो सब्जी बन रहा है ना वो बन रहा था। तो मैं मोली हड़बड़ाइए नहीं, मैं आराम से खा लूँगी। अभी एक होता है, जैसे अभी अभी न्यूबॉर्न आई है, तो फिर इस वजह से टाइमली खाना पड़ता है। ज़्यादा लेट होने से उसको भी डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसे कहावत है। तो जो बड़े सब कोई बोलते हैं उसको मानना भी चाहिए। तो चलिए बाहर थोड़ा हो आते हैं। मुझे बहुत, मैं 2 बार बाहर से घूम के आ भी चुकी हूँ। तो चलिए थोड़ा आप लोग के साथ अभी चलते हैं, देखते हैं वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस एक बार पापा को फ़ोन करना है मुझे। वीडियो में आज बने रही, आज बहुत सारा काम है, पता है बहुत सारा काम है। हम लोग को डेकोरेट भी करना है कल के लिए, साथ में बहुत कुछ तैयारियां करनी है। सामान तो ऑलमोस्ट ये लेके आ चुके हैं घर पर कल की तैयारी का, और कपड़ा तो आप लोग को दिखा चुकी हूँ। ये ना फोन कर थी कहले बाप मोर मुन फोन हो गई मेरे नॉट रीचेबल कहला स्विच ऑफ हो चार्ज नहीं। आसो वेलकम वेलकम बाप आनीच कॉटन साड़ी। एटा एटा धर ओहो दियो तार डाइपर ना। ए लोड़ो तो भांगी जो टिप पिने के पड़ी छिबा भांगी जो जें ना। अच्छा कि लड्डू खाई पर मैं भांगी जी बोली टिफिन नहीं छो एटा किया लेम्बू का ओ लेम्बू गोचर का की हां मैं जान जी भांगी जी बस की डा भंगला एक जान जी भांगी जी भाई लोग सबे मु मन सेठी बत्ती को जान केते का लड्डू आनी छो कल धर कल हमर घी और लड्डू ये करी छन घी और लड्डू गाना करी छन राहुल केला रो ए पूजा रे लागबो बोली ए घरे बनागा की नहीं नहीं किनागा अब टिफिन नोगा टिफिन ने भी किना ओहो जे तुम्हें चेंज करो हला बापा को पेंट दे दे तीन तीन बापा ट्राउजर अन ना। मैं वो लोग के लिए बाहर जाऊंगी बोल रही थी, और यहाँ आके पापा दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी खाने बुलाने आई हैं, तो खोल दी तो वो लोग मुझे सरप्राइज दे दिए। और बाबा खड़े थे बाहर, बाबा पूछ ही रहे थे कि कब तक आएंगे। मैं बोली 12:45 में ट्रेन का टाइम है, और 10 मिनट बस लगा घर पहुँचने में वो लोग। हाँ कहर कम देखा होची को तुम्हें तो देख लो कते दिन पूरे 20 दिन 18 कने तोर कम छोड़ा 15 दिन हो हैं तोर कम हो मोर कम हो तोर कम हो मु तो नंदिनी रकम देखते ना हैं। ये से भी चलते नहीं दिस लोग सा हाँ किंतु से बहुत मोटा थिला ना ये पतला अच्छी बोली बापा भी आसिक आगे देखुचन कहले देखे आगे तक टिके छुट्टी जाने में चाहिए था ना हाँ छुट्टी में चाहिए मम्मी आके पहले चेंज वेंज कर ली, फिर अपना हाथ वगैरह सैनिटाइज करके बोलती है पहले मैं उसको गोदी लूंगी। मैं मना की अभी नहीं, अभी जस्ट सोई है। चुरकुट है जी तो मैं चुरकुट ही जी खाई जी तू गाओ खाई जी बोली हमें से काटने को बोल थी खाता पूरी हमार ग्रुप में निकला अरे भाई बिछड़ा हुआ ग्रुप आपसे जो हम थोड़ा कहीं सेठा खबर पकड़े हैं खबर पकड़े आज सुबह हम सिर लग ना हमें सुबह ड्रेस आनी बाई चांस कल जो आसबे खुजबु जा ओजार चश्मा ओजार नहीं आई चश्मा एटा एटा ओजार चश्मा तो हैं रे ओजार चश्मा पार्टी करनी ठू चल कोटे चुपी बस दी थी लो कोटे चुपी बस दी थी लो सोचा झरता है देखू दी हो जी जाई के देखला मुके तो सुराग मिली देखला मते की तू ड्रेस थीला तू चश्मा थीला
बापा नहीं अच्छा बापा को कम टा दबो कम कम अच्छे बापार आ बाबार तुम्हारा बेसी तुम ईटा आई कम टा কি করবে তাহলে মোর पर बना रही है पनीर की सब्जी क्योंकि मुझे खाना था उनके हाथ का, तो फिर वो बना रही हैं और वो लोग बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा चख सकते हैं, तो फिर बिना मिर्च का मेरे लिए बन रहा है। एक्चुअली सबके लिए बन रहा है, बाद में वो लोग मिर्च डालेंगे। यहाँ पर माँ हरा मिर्च को काट कर रखी है, बाद में यूज करेगी। यहाँ पर काजू पीस कर रखी है और ये है पुआल वाला जो छत्तू होता है मशरूम, उसको फ्राई करके रखी है, पर अभी ये नहीं बनेगा, ये कल सुबह या फिर दोपहर को बनेगा। और यहाँ पर चावल, बासमती चावल को हम भिगा कर रखे हैं, ये लेट नाइट खीर बनेगा क्योंकि सुबह इतना जल्दी टाइम नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कि 11:30-12 बजे तक इसको बना कर रखेंगे ताकि सुबह ठंडा हो जाए और पंडित जी जल्दी आएंगे, तो इसी वजह से हम लोग को जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। बाकी सब कुछ भी बहुत कुछ बनने वाला है, तो इसीलिए अभी से तैयारी। और तुम्हें देखो, तुम्हें जमती करो सेमती करो, घरे जमती करो, बस मत सेमती दरकार। और मैं उनको बोली आप जैसे घर पर बनाते हो ना बिल्कुल वैसे ही बनाओ, मुझे वैसे खाना है। तो और बेटी वहाँ पर छोटी उठ चुकी है, उसके पापा उस वहाँ पर थे, तो फिर मैं बोली नहीं थोड़ा सा देख के आते हैं, सब कोई करके आ रहे हैं। और माँ यहाँ पर आटा गूंथ कर रखी हुई है, वो रोटी को बेलने वाली है, माँ फिर सेकेंगी, तो दोनों साथ मिलकर बना दे रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और हम लोग थोड़ा डेकोरेट करेंगे सोचे हैं, तो सब कोई खा लेंगे ना, उसके बाद ही डेकोरेट हो पाएगा। यहाँ पर उसके पापा लग गए हैं अभी खीर बनाने में, बोले नहीं चलो थोड़ा थोड़ा सबको ही मिलकर बना देंगे तो फिर हो जाएगा। और हम लोग को बड़ा वाला डेक्ची में बनाना पड़ रहा है, भले ही थोड़ा सा चावल है, क्योंकि हम लोग के घर में ना ज़्यादा चावल देके खीर कोई पसंद नहीं करता है, जैसे दूध के साथ मेल्ट हो जाए वैसे ही चाहिए सबको खीर। और यहाँ पर रखा हुआ है दूध का पैकेट, तो इसी से बनेगा, ये दूध लग जाएगा अभी खीर में, और सुबह होते होते ही ठंडा भी हो जाएगा। साथ में हम लोग का खीर के लिए सुबह का कोई टेंशन नहीं कि जल्दी हम लोग पूजा कर पाएंगे, ताकि सोच रहे थे कि बहुत रात को बनाएंगे पर बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। अभी हम लोग खा लेते खाकर मतलब खाते खाते भी बन जाएगा, क्योंकि फिर सोना भी है सबको। और साथ में ना दोनों माँ बनाकर चली गई हैं यहाँ से रोटी और सब्जी, आज हम मैं इतना दिन बाद खुद से लेकर खा रही हूँ और इनको भी दे दूँगी, हम दोनों खा लेंगे, बाकी कोई नहीं खाए हैं अभी तक। पूजा की सारी सामग्री आ गई, और साथ में ना एक नया चीज़ है, ये देखिए, ये एक नया पूजा का सिंहासन भी हम लोग बनवाए हैं लकड़ी का। तो कलर जो है हम लोग नहीं चढ़ा पाए क्योंकि हड़बड़ी में बना, तो जैसे करके इमरजेंसी था तो फिर बनाकर ले आए, इसी में कल पूजा होगा। यहाँ का थोड़ा पूजा का प्रोसेस अलग है, सिंहासन में ही कर लेते हैं पंडित जी जैसे, और हम लोग के उधर सिस्टम अलग है। तो सिंपल सा डिज़ाइन, कुछ ऐसा डिज़ाइन नहीं है, पर इसी में कल पूजा हुआ, देखते हैं पंडित जी क्या बोलेंगे। मैं इनको बोली थी कि ये ओपन रहने से अच्छा होता, ओपन होने से अच्छा होता, पर ये अलग तरह का बन गया, तो फिर भी चलेगा। झूड़ी चल रखी प्याज होगा। और बहुत रात हो चुकी है अभी, दोनों पर हम लोग का पायस भी रेडी नहीं हुआ है, अभी टाइम लग जाएगा। ये उबलते उबलते घटा है, कितना ज़्यादा देख सकते हैं, यहाँ तक था, घट गया है और बहुत बहुत घटेगा, अभी तो टाइम बाकी है।
आधा घंटा जैसे और लगेगा इसको बनने में, और दोनों माँ वहाँ पर खा रही हैं। आज हम लोग का सोने का व्यवस्था यहाँ पर पूरा अलग सा हो गया है, क्योंकि हम लोग के घर में पहली बार खटिया बिछाए हैं। एक्चुअली ये जुगाड़ू खटिया हो गया है और इसी में पापा सोएंगे, और बेड पर यहाँ मैं, मम्मी, हाँ ये अभी टेम्पररी सोइए, आ जाएगी यहीं पर, और छोटी बेटी, बड़ी बेटी, हम चार सोने वाले हैं। वहाँ पर मम्मी पापा सोए और ये थोड़ा सा बाहर चले गए सोने के लिए, क्योंकि बोले यहाँ पर कंजेस्टेड क्यों करेंगे, क्योंकि और एक खटिया का जुगाड़ भी हो गया था, पर ये मना किए कि नहीं, बाहर इंतज़ाम हो जाएगा, उनका व्यवस्था हो गया, तो फिर हम लोग आराम से सब कोई सो सकते हैं। बस मुझे भी मेडिसिन लेना है। दोनों माएँ वहाँ पर बैठ कर खा रही हैं, और रात का पता है 10:30 बज गया है, और हम लोग को खिला लिए फिर अपने खा रहे हैं, तो मुझे भी लेना है दवाई, फिर हम लोग सोएंगे। और वहाँ पर मेरा पायस भी बन रहा है, अभी बनने में उसको और टाइम लग जाएगा। समोसा पानी भी पी रही ना, और बेटी का आज काम था, खाऊ चौन माँ खाऊ चौन, तो बेटी का आज काम है कि सबके लिए पानी बोतल भर रही है और रूम रूम सब में पहुँचाएगी बस। और हाँ ठीक है, गुड नाइट। और यहाँ पर ये सो रही है, उसको मच्छरदानी दे दिए हैं आज, क्योंकि मुझे लग रहा है एक दो मच्छर आ ही रहा है रूम में, तो चलिए मैं दवाई ले लेती हूँ। बस खीर बनकर तैयार हो गया, पायस जो है उसको बाहर रख रही हूँ, बाकी को फ्रिज में मैंने दे दिया, क्योंकि फ्रिज में और बिल्कुल भी जगह नहीं है, थोड़ा सा भी इसको ले जाऊँगी उस रूम में, ताकि एसी का ठंडा में ठंडा रहे ये। और अभी जो है एक चीज़ ख़राब लग रहा है कि हम लोग आज डेकोरेट करेंगे सोच रहे थे, पर आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी रह गई ना, तो डेकोरेट जो है नहीं हो पाया। सुबह देखते हैं जितना जल्दी हो सके हम लोग डेकोरेट करेंगे। और सब कोई रूम जा चुके हैं, बस मम्मी यहाँ मेरे लिए वेट कर रही है। ऐसे दिन में इतना दिन तो मैं कुछ की नहीं, पर आज थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि कल पूजा है, सब कोई बिजी रहेंगे, थोड़ा बहुत सबका मदद चाहिए ताकि काम जल्दी से हो पाए। और रात का 11:30 बज गया है मेरा पायस बनते बनते, और अभी हम लोग सोने जाएंगे। माँ तो आज मेरे साथ सो रही है, रात का ड्यूटी माँ का भी बढ़ने का, क्योंकि ये रहते हैं तो इनका आधा ड्यूटी मेरा आधा रहता है, पर आज नानी का ड्यूटी लगेगा। और धरात्र उठे भी, हाँ उठा तो जो गजा हो गई मुझे, मेरा यहाँ का काम हो गया है, बस गर्म है, ले जाने में दिक्कत हो रही है। बस ये नेट लेके जा रही हूँ, और मुझे उसको ढकना है, नहीं तो कीड़ा मकड़ा कुछ भी पड़ सकता है। और बहुत दिन बाद मैं लास्ट किचन से जा रही हूँ, वरना कुछ दिनों से लगातार खाकर ही किचन से पहले ही निकल जाती थी। तो चलिए, कल बहुत अच्छा दिन है, तो उस हिसाब से आज जल्दी थोड़ा सोएंगे। 11:30 बजा है, अभी रूम जाते थे, फिर मेरी गुड़िया उठेगी, तो कल उसका नामकरण है, क्या नाम रखेंगे, क्या करेंगे, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन हम लोग के पास बहुत सारा है, कौन सा नाम रखेंगे, अभी तक हम लोग हानि में हैं। देखते हैं जो भी नाम रहेगा आप लोग के साथ तो शेयर जरूर से होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।